अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न रोक मार्क इंग्लिश क्लास 5 एंड आवर लेसन नेम इज बिल्डिंग ऑफ अ रूम। जैसे कि कल हमने क्या पेज नंबर 70 हाफ लर्न किया था, आज हम आधा हाफ लर्न करेंगे जो आगे हमारा नेक्स्ट रहता था। नाउ स्टार्ट द लेसन। मिस्टर लाल केम राउंड आफ्टर ब्रेकफास्ट। मिस्टर लाल नाश्ते के बाद आ गए एंड हेल्प द मदर की, डैड अबू की, मैयर पेमाइश में द स्पेस, जगह की, फॉर द एक्सटेंशन और वसत के लिए जगह की, पेमाइश में अबू की मदद की। आफ्टर द मैयरमेंट, मैयरमेंट मीन पेमाइश, मैयर पेमाइश के बाद दे मार्क्ड, उन्होंने निशान लगाया इट आउट केयरफुली, एहतियात के साथ, भी स्ट्रिंग रस्सी, पैक्ड, पैक्ड मीन कील टू द ग्राउंड, रस्सी के साथ उन्होंने एहतियात से निशान लगाया जो कि कीलों के साथ बांधी हुई थी। देन फिर डैड अबू, मिस्टर लाल एंड राजित, और राजित एंड फ्रंकी, और फ्रंकी एंड मे डैड, और मे के अबू भी घेन शुरू हो गए। टू डिग, डिग का मतलब खोदना, एंड आर ट्रिंच, ट्रिंच मीन घड़ा, घड़ा खोदना शुरू हो गए। फॉलोइंग द लाइन ऑफ द स्ट्रिंग, रस्सी की सीध में वो घड़ा खोदना शुरू हो गए। लिटल पिट ने सोचा, थॉट मीन सोचना, ऑल दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, ये सारा कुछ बहुत दिलचस्प है। ही फेस्ट, वो लाया ही स्पेड, अपना बेलचा, एंड बिगेन टू डिग टू, और वो खोदना शुरू हो गया। सो डिड मर्डाक, मर्डाक ने भी ऐसे ही किया। वेन द ट्रेंच, जब घड़ा वॉज फिनिश्ड, खोद लिया गया, फिनिश्ड मीन खत्म हो गया या खोद लिया गया, द मैन क्लियर, आदमी ने साफ की, द स्पेस जगह, वेयर द फ्लोर वॉज टू बी, जहां पर फर्श तामीर होना था, पुट डाउन बिट्स ऑफ ब्रिक्स एंड रबल एंड कवर्ड, बिट्स ऑफ ब्रिक्स मीन इंटो के टुकड़े, एंड रबर और मलबा, एंड कवर्ड मीन ढांप दिया, डैम विद अ प्लास्टिक शीट, फिर उन्हें इस जगह पर इंटो के टुकड़े, मलबा डाला और उसको प्लास्टिक शीट से ढांप दिया। नाउ अब एवरीथिंग, हर चीज वॉज रेडी, तैयार थी, फॉर द कंक्रीट बर्जरी की तह के लिए। डैड वॉज, अबू वॉज थे सो टायर्ड, थके हुए, द नेक्स्ट डे, अगली सुबह, डैट ही डिडंट गेट अप अर्ली, सो अगली सुबह वो जल्दी ना उठे। मॉम, मम, अम्मी टुक हिम, लेके आई अ कप ऑफ टी, चाय का एक कप, इन बेड, उनके बिस्तर पर। वाइल, जबकि, द रेस्ट, रेस्ट मीन बाकी ऑफ द फैमिली, लोग, फैमिली मीन खानदान, वर हैविंग कर रहे थे ब्रेकफास्ट, सुबह का नाश्ता, जबकि खानदान के बाकी लोग नाश्ता कर रहे थे। दे हेर्ड, उन्होंने हेर्ड मीन सुना, अ ग्रेट नॉइज, बहुत ज्यादा शोर, इन द स्ट्रीट, गली में। दे आर हरीड, वो जल्दी, हरीड मीन जल्दी से, आउटसाइड, बाहर आ गए, वो जल्दी से बाहर आ गए। आ लॉरी, एक लॉरी, हैड अराइव्ड, अराइव्ड मीन पहुंच गए, एट देयर हाउस, उनके घर। टुडे आवर लेसन इज कम्प्लीट, नाउ वी लर्न द क्वेश्चन नंबर 4। व्हिच थिंग वर अनलोडेड एट द पीटरसन हाउस, वो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कौन सी चीजें थी जो पीटरसन के घर के सामने उतारी जा रही थी। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, पेज नंबर 70, जो हमने कल लेसन पढ़ा था उसमें से इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। स्टार्ट में देखेंगे, सम मैन, कुछ आदमी, अनलोडेड उतार रहे थे बिट्स ऑफ वुड, लकड़ी के टुकड़े, एंड विंडो, और विंडो, एंड डोर, और दरवाजे। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, सम मैन, कुछ आदमी, अनलोडेड उतार रहे थे बिट्स ऑफ वुड, लकड़ी के टुकड़े, एंड विंडो, और खिड़कियां, एंड डोर, और दरवाजे। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। तो आपका आज का होमवर्क, आज जो लेसन लर्न किया था उसकी डिक्लेरेशन लर्न प्लस राइट करोगे, उसके साथ आप क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लर्न प्लस राइट करोगे। अल्लाह हाफिज़।